Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I am Sunidhi and here in this channel we study about civil engineering. Let us continue with the subject soil mechanics. As we have seen in the last video about introduction to the soil mechanics, and today we'll study about weight and volume relationship of soil. So let us start with the today's topic. Our first topic is soil mass. Soil mass kya hota hai? Soil mass is a three-phase system consisting of solid particles called soil grains, water and air. Soil mass ek three-phase system hai jo kisse bana hota hai? Solid particles se bana hota hai, water se bana hota hai aur air se. Hawa, pani aur thos padarth milke hamara kya banate hain? Soil mass banate hain. The void space between the soil grain is filled partially with water and partially with air. जो void space होते हैं, जो blank space या आप pores बोल सकते हो, जो soil के बीच में होते हैं, वो pores क्या होते हैं? Partially पानी से भरे होते हैं और partially हवा से भरे होते हैं. मतलब complete fill नहीं हुआ रहेगा, आधा पानी से भरा रहेगा और आधा हवा से fill होगा वो. आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं सॉइल मास की. सॉइल मास हैज़ थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट विच डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेसेस बट आर ब्लेंड टुगेदर फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल. सॉइल मास हैज़ थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट. सॉइल मास तीन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है जो कि सेपरेट स्पेसेस नहीं ऑक्यूपाई करते, पर एक दूसरे के साथ ब्लेंड होके, एक दूसरे के साथ मिल के एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्म करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या कहलाता है? सॉइल मास कहलाता है. तो सॉइल मास क्लियर हो गया, तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है, सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस पदार्थ, वाटर पानी और एयर आपकी हवा. ठोस पदार्थ, पानी और हवा मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं. उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉइल मास कहते हैं. आइए कंपोनेंट्स देखते हैं सॉइल मास के. सेम कंपोनेंट्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर और एयर. ये तीनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं? सॉइल मास बना रहे हैं. सॉइल मास इज़ कम्पोज ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ मैटर. सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड हो गया. लिक्विड में क्या है हमारे पास? वाटर है. और गैस में हमारे पास एयर है. आप इस डायग्राम में देखिए, इधर यहाँ पे आपको जितने भी वाइट पोर्शन दिख रहे हैं, वाइट पोर्शन क्या है? वॉइड्स हैं. इन वॉइड्स में हवा फिल है. वहीं आपको ब्लू पोर्शन जितना भी दिख रहा है इस डायग्राम में, ब्लू पोर्शन में क्या है? वाटर फिल है. और जो रेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं? सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठोस पदार्थ हैं. ये इसमें क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स हैं. ये तीनों मिलके हमारा क्या बना रही हैं? सॉइल मास बना रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेज डायग्राम ऑफ सॉइल मास. फेज डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स के लिए. आइए देखते हैं फेज डायग्राम में क्या क्या होता है. फेज डायग्राम आपका चार टाइप का है. थ्री फेज जो कि बनता है सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर और एयर से. इसका नाम है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल. जो हमने अभी पीछे देखा वो क्या था? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल था जो कि सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर और एयर से मिलके बनता था. इसके कंपोनेंट्स थे सॉलिड, वाटर और एयर. फिर आता है टू फेज. टू फेज दो टाइप का होता है. पहले में आता है सॉलिड प्लस वाटर. सॉलिड प्लस वाटर इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें एयर एब्सेंट होता है. सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर मिलके जो आपका फेस बनाते हैं वो आपका कहलाता है सैचुरेटेड सॉइल. जो आपकी गीली मिट्टी होती है वो आपकी सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है. उसमें जो वॉइड्स रहते हैं, सारे वॉइड्स में पानी भरा होता है. अभी बरसात में जो आप मिट्टी देखोगे वो सैचुरेटेड सॉइल होगी, और गर्मी में जो मिट्टी देखते हैं वो होती है ड्राई सॉइल. क्योंकि सेकेंड वाले टू फेज में क्या होता है? सॉलिड और एयर से मिलके बनता है. वाटर नहीं होता है इसमें. वाटर नहीं रहेगा तो मिट्टी क्या रहेगी? ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई सॉइल कहते हैं. और आपका आखिरी फेज किससे बनता है? सॉलिड, वाटर, एयर और आइस से मिलके बनता है. ये कौन से जगहों में मिलेगा? जिस जगह में बर्फबारी होती है, बर्फ मिलती है, उस जगह में आपको फोर फेज सिस्टम मिलेगा. ये बहुत रेयर केस में होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता. बाकी तीन फेज आपको
ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी जाओ आपको बाकी तीनों फेस मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन सॉइल कहते हैं। ये चार फेस चार कंपोनेंट से मिलके बनेगा, सॉलिड, वाटर, एयर और आइस से मिलके बनेगा। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ड्राई फेस में आप देख सकते हो, ड्राई फेस के डायग्राम में आपको सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स और एयर दिखेगा। वहीं अगर आप सैचुरेटेड में जाओगे तो सॉलिड प्लस वाटर दिखेगा आपको, और पार्शियली सैचुरेटेड में तीनों दिखेगा, सॉलिड, वाटर और एयर। आगे हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ थ्री फेस सॉइल मास। थ्री फेस डायग्राम जो होता है सॉइल मास का, वो अब हम देखेंगे। जो मेन डायग्राम होता है जिसमें एक साइड में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेट रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे साइड हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानते हैं कि थ्री फेस डायग्राम जो होता है हमारा, तीन फेस का जो होता है वो सॉलिड फेस, वाटर और एयर तीन फेस से मिलके बनता है, सॉलिड, वाटर और एयर से। तो सॉलिड का वेट एक साइड होगा, सॉलिड का वेट एक साइड होगा, सॉलिड का वॉल्यूम एक साइड होगा। तो हम एक साइड पूरा वेट रिप्रेजेंट करेंगे तीनों का, और एक साइड पूरा वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेट से। जो टोटल वेट होगा तीनों का मिला के, उसको हम कैपिटल W से या W टोटल से रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिविजुअल वेट क्या होगा, एयर का वेट W एयर से रिप्रेजेंट होगा, W एयर या W ए से। वाटर का वेट W W से रिप्रेजेंट होगा या W वाटर से। सॉलिड का वेट W सॉलिड से या W एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसके लिए हो गया, वेट के लिए हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आपका सॉलिड का वॉल्यूम V S से रिप्रेजेंट होगा, V सॉलिड से। वाटर का वॉल्यूम V W V वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, V एयर या V A आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। अब एयर और वाटर क्या थे हमारे, वॉइड्स थे, जो पोर्स थे या जो गैप था उनमें क्या भर रहा था हमारा, एयर और वाटर फिल हो रहा था, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं। वी वी अगर कहीं पे आपको दिखेगा, कैपिटल वी और स्मॉल वी, तो आप उसको जान जाइए वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है हमारा। और टोटल हमारा तीनों मिलके क्या बनेगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिलके क्या बनाते हैं, टोटल वॉल्यूम बनाते हैं। आइए हम डिटेल में देखते हैं। कैपिटल वी क्या है आपका, टोटल वॉल्यूम है। फिर आता है वी ए, वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा वी ए होता है। वी डब्ल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा वी डब्ल्यू कहलाएगा। फिर हमारा टर्म आता है वी एस, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वी वी जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहलाता है। डब्ल्यू जो हमारा टोटल वेट है, जो किससे मिलके बनता है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल से। डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या होता है, वेट ऑफ एयर। एयर का कोई वेट होता है क्या, नहीं होता है। एयर का वेट क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो लिखा गया है। इसीलिए हम टोटल जब वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वाटर और सॉलिड का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एयर मास का कोई वेट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टोटल वेट बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर मिलके हमारा क्या बनाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बनाता है। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये मिलके हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं, तो हमको टोटल वॉल्यूम क्या मिल जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टर्म है, टोटल वॉल्यूम किससे मिलके बनता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिए।
अब हम देखते हैं ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल क्या था? हमारी सूखी मिट्टी। सूखी मिट्टी किससे मिलके बन रही थी? सॉलिड पार्टिकल्स और एयर से। पानी नहीं रहेगा तभी मिट्टी क्या रहेगी? सूखी रहेगी। मतलब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर मिलके बना रहा था। अब यहाँ पे वाटर एब्सेंट है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहलाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम किससे मिलके बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। सेम इधर वेट में आ जाएंगे। वेट ऑफ एयर क्या होता है? वेट ऑफ एयर जीरो होता है। मतलब टोटल वेट किसका वेट होगा? सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का वेट होगा। तो ड्राई सॉइल किससे मिलके बनता है? सॉलिड प्लस एयर से बनता है हमारा ड्राई सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिलके हमारा टोटल वॉल्यूम बनाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर में है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वहीं आपका टोटल वेट क्या हो गया? वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर जीरो है इसीलिए टोटल वेट क्या हो गया हमारा? वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा इसके बाद? वेट सॉइल। वेट सॉइल किससे मिलके बनता है? वेट सॉइल आपका सैचुरेटेड सॉइल होता है, जो कि हमारा सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर को मिलाएंगे तो हमारा वेट सॉइल बनता है। गीली मिट्टी। गीली मिट्टी किससे बनेगी? जो सॉलिड पार्टिकल ठोस पदार्थ रहेंगे और हमारा जो पानी रहेगा, ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाता है? गीली मिट्टी बनाता है। यहाँ पे क्या बनेगा? टोटल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो हमने पहले ही देखा था। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं है तो एयर का पार्टिकल को जीरो ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर में हो गया। मतलब टोटल वॉल्यूम किससे मिलके बनेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मिलके बनेगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वहीं हमारा वेट किससे मिलेगा? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड से मिलाएंगे हम तो हमको क्या मिलता है? टोटल वेट मिलता है वेट सॉइल का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आगे के टॉपिक्स हम बाद में देखेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।